एक रियाल का सामान खरीदने के लिए दो आदमी मिल के आए, वो भी कार में बैठ करके। तो नहीं लग रहा है यार, बिल्कुल भी नहीं। नेचुरल है, नेचर है। आप आए और बहुत अच्छी जगह है माशाल्लाह। मच्छी से हम लोग काफी देर से बातें कर रहे हैं और उनको खाना वाना डाल दिया। आप लोग देख रहे हैं, शायद आपको मच्छी बैकग्राउंड कैमरे में भी दिख रहा है। तो फिलहाल तो मसाला डोसा आ चुका है और ये हमारे शाहरुख भाई फिलहाल तो लगे हुए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की ये वीडियो व्लॉगिंग होने वाली है। जैसे कि मैं हर वीडियो में हर किसी का इंटरव्यू लेने की कोशिश करता हूँ और उस इंटरव्यू में मैं जॉब से रिकॉर्डिंग ज़्यादातर मैं बात करता हूँ, तो इसी तरह से मेरे साथ एक भाई हैं, सुबह सुबह इनसे मुलाकात हुई है और ये बहुत अच्छा रहा। और ये अंदर बैठे हुए फिलहाल तो इसकी गाड़ी में बैठ रहे हैं। और सलाम अलैकुम भाई जान, क्या हाल है? सलाम, और सब बढ़िया, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? अल्लाह का फजलो करम है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सदर भाई, बहुत अच्छा। तो इनका नाम है शाहरुख, शाहरुख है ना जी, शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख मतलब बायकॉट करने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। शाहरुख भाई इनका नाम है और इससे बहुत सी ऐसी बातें करेंगे। फिलहाल यहाँ से रवाना होते हैं आगे की ओर। शाहरुख भाई, हम लोग जा रहे हैं मसाला डोसा खाने के लिए। जी बिल्कुल। आप केरला तो नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, केरला नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज बन जाएंगे, आज बन जाएंगे। हाँ, आज रेस्टोरेंट जा रहे तो आज केरला ही। सही बात है जी। तो फिलहाल तो हमारा मंजिल करीब आ चुका है, गाड़ी पार्क करके अंदर की ओर चलते हैं। चलिए। तो सामने ये रेस्टोरेंट आ चुका है, दीमा वेलकम रेस्टोरेंट। तो फिलहाल इसके अंदर एंट्री करते हैं। फिलहाल तो इस होटल के अंदर एंट्री कर गया हूँ और टेबल पे मैं बैठ चुका हूँ। और शाहरुख भाई खाना आया नहीं? नहीं नहीं, अभी वेट कर रहे हैं। क्या खाना है? मसाला डोसा। तो मसाला डोसा के इंतजार में है। फिलहाल तो ये आप लोग देख सकते हैं कि पीछे बैकग्राउंड में मेन्यू किस तरह से बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी तो पल्ली बन चुकी है, बस खाने का इंतजार, अभी खाने का। तो फिलहाल तो मसाला डोसा आ चुका है और ये हमारे शाहरुख भाई फिलहाल तो लगे हुए हैं। बहुत जबरदस्त। कैसा जायका है? अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, फिलहाल तो नाश्ता हो गया, अब चाय की तैयारी है। तो भाई पीछे चाय बना रहे हैं, उसका भी थोड़ा तोड़ लेते हैं। तो फिलहाल तो चाय बन रही है, आप लोग देख सकते हैं कि दूध को पका करके। यहाँ से नाश्ता कंप्लीट करके आगे की ओर रवाना हो चुके हैं। अब मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे नीचे एक पार्क है, वादी कौन सा है? वादी नंबर, वादी नंबर में जा रहे हैं, वादी हनीफा में। वहाँ चल के थोड़ा फीस देखने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी फीस है और बहुत प्यारा खूबसूरत पार्क बना हुआ है। बिल्कुल, बस हम निकल चुके हैं और चलिए वीडियो में बने रहना लास्ट तक और वहीं पर जाके दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलने से पहले मैं इस वक्त रुक गया हूँ नेहदी में, क्योंकि नेहदी में शाहरुख भाई को कुछ सामान लेना। फिलहाल तो यहाँ से रोटी ले लिया, रोटी तो दिखाओ कैसा है। ये रही। तो छोटा छोटा रोटी है और ले करके अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ की खरीदारी हो गए, एक रियाल का सामान खरीदने के लिए दो आदमी मिल के आए, वो भी कार में बैठ करके। यहाँ वादी नंबर में और यहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं, अब नीचे की ओर जाने के लिए। हालांकि आप लोग देख सकते हैं कि चढ़ाई किस तरह से खड़ी चढ़ाई है। तो ये राइट साइड में ये पहाड़ी चल रहा है और सामने गाड़ियां भी आ रही हैं और सामने घर भी बन रहे हैं। छोटा सा दौर है यहाँ पे, जहाँ से हम यूटर्न लेकर के वापस आएंगे, क्योंकि सीधा जाने का रास्ता इस वक्त बंद है। ये रास्ता आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल बंद कर रखे हैं गोल चक्कर के पास। और ये मजरा है, सामने मस्जिद है। फिलहाल तो मैं आ चुका हूँ उस पैलेस में, ये राइट में पार्क बना है और लेफ्ट साइड में ये पहाड़ी है। ये आप लोग देख सकते हैं कि राइट साइड में तालाब भी कितना बड़ा बड़ा सा दिख रहा है। और ये बूफिया है, हालांकि ये बूफिया अभी ओपन नहीं हुआ। और गाड़ी पार्क करके अब अंदर की ओर चलते हैं, क्योंकि मुझे ये रोटी फीस को डालना है, यानी मच्छी को खिलाने के लिए रोटी लेकर के आ रहा हूँ। और ये पूरा का पूरा, ये आप लोग देख सकते हैं कि आगे का हिस्सा किस तरह से है और बहुत दूर तक है। और दूसरे साइड भी आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना लंबा चौड़ा है। और ये पीछे अपने इंडिया में क्या है कि पानी के अंदर जो एक चिड़ी होता है ना, जो कि पानी में रहता है, वो डुबकी लगा कर के, उसे हम लोग पनडुब्बी बोलते हैं। पता नहीं आप लोग कौन सी, मतलब हर लैंग्वेज की थोड़ा अलग अलग होता है। तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए और
फिलहाल तो डालते हैं मच्छी को। पानी इधर से निकल रहा है पहाड़ों के बीच से, और हालांकि ये पानी इस वक्त काफ़ी गर्म है, गर्म पानी है, और ये इसके अंदर जितने भी पानी है ना सब नेचुरल पानी है, जमीन के नीचे से पानी निकल रहा है, यहाँ से चारों तरफ से पानी निकल के जगह पर जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठ करके, क्योंकि काफ़ी गर्म पानी है ये। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि नीचे कितनी सारी मच्छी है, हालांकि ये मच्छी मच्छी दिख रहा है चारों तरफ, बहुत सारे मच्छी है। और ये आप लोग देख लो, जहाँ तक नज़र जाएगा मच्छी के अलावा कुछ नहीं दिखेगा पानियों के अंदर। इसमें सभी मच्छी है, मिक्स है। इस पॉइंट पे आए हुए अराउंड 2 घंटे के करीब होगा, और मच्छी को चारा डाल डाल के मच्छियों से मुलाकात कर करके बहुत अच्छा फील हो रहा है और अच्छा टाइम पास हो रहा है। और बोरिंग तो नहीं लग रहा है यहाँ? बिल्कुल भी नहीं, नेचुरल है, नेचर है, आप आए और बहुत अच्छी जगह है माशाल्लाह। मच्छी से हम लोग काफ़ी देर से बातें कर रहे हैं और उनको खाना वाना डाल दिया। आप लोग देख रहे हैं, शायद आपको मच्छी बैकग्राउंड कैमरे में भी दिख रहा होगा, इतने सारे मच्छी पीछे घूम रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे मच्छी हैं, और ये दूर तक तालाब है जहाँ तक आप देख पा रहे हैं। ये 24 नंबर एग्जिट तक है, और मैं इस वक्त हूँ 26 नंबर एग्जिट तक, और दूसरे साइड ये फ्लाईओवर भी दिख रहा है। सदर भाई, ये जो है ना अराउंड कम से कम 7 किलोमीटर दूर लंबाई है इसकी। सही बात है, हाँ बहुत लंबी है ये वादी, बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आ रहा है जी। बिल्कुल पार्टी करो, इन्जॉय करो। सही बात है, आज के जितनी मौज मस्ती था ना सारा कम्प्लीट हो गया, क्योंकि मैं आया था नीचे, आप लोग देखे कितने सारे फीस था। और वैसे जो लोग फिश पकड़ना चाहे तो पकड़ सकते हैं, हालांकि फिश तो मैं पकड़ा नहीं हूँ, फिशिंग किया नहीं हूँ। और रोटी लेके आया तो फिश को डाल दिया हूँ, डालने के बाद जितना हो सकता है इतना अपना टाइम को एक्सपेंड किया हूँ। यहाँ पे अराउंड 3 घंटे के आसपास रुका हूँ, बहुत अच्छा लगा। फिलहाल यहाँ से गाड़ी में बैठ करके बाहर की ओर निकल रहा हूँ, हालांकि ये चढ़ाई चल रहा है इस वक्त पहाड़ों का। और शाहरुख भाई कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मैं कहता हूँ जितने लोग देख रहे हैं ना व्यूअर्स हमारे, इंशाल्लाह आप लोग भी आए और हम लोगों के साथ में एंजॉय करें। सही बात है, हाँ। आज की जो ये वीडियो बनाया था ना, रूम से लेकर के होटल, होटल से लेकर वादी नमाट, फिर भी कोई खास उतना आप लोगों को इस वीडियो में व्यू नहीं दे पाया हूँ। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना, जितना हो सकता है ज़बरदस्त आप लोगों के लिए सीन शॉट लूँगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।